महंतास्ते समचित्ता प्रशांता। जो महान संत हैं, समान चित्त वाले हैं, समान चित्त बंदहु संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोए, अंजलि गत शुभ सुमन सुचि सम सुगंध कर दोए। जो संत समान चित्त वाले, छोटा बड़ा नहीं देखते कि ये धनवान है तो इनसे ज्यादा प्रेम करें, ये निर्धन है तो इनसे कम प्रेम करें, धनवानों से चुपचाप मिलने, निर्धनों को मिलने का मौका ही न दें, ऐसे संतों की बात यहाँ भागवत में नहीं हो रही। भागवत में बात है जो समान चित्त वाले हैं, सभी को समान समझते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, निर्धन हो या धनवान हो, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, ऐसे संत समचित्ता प्रशांता। जो प्रशांत चित्त वाले हैं, विमन्नमया क्रोध रहित है, श्रुदा जो सबके मित्र हैं, साधो साधु स्वभाव के हैं, ऐसे संतों के निकट जाकर के भगवान की कथा श्रवण करके, भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना। जो सबको सुलभ हो संत, संत वो है जो सबको सुलभ हो, और जो सबको सुलभ नहीं है, कुछ संत शीशा में बैठ के प्रवचन करते थे, वो सुलभ ही नहीं थे, बहुत अब भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, जिनसे बहुत बढ़िया धन की प्राप्ति है उनसे मिलते हैं, और जिनसे प्राप्ति नहीं उनसे नहीं मिलते। तो महाराज कहते हैं ऐसे संतों की आवश्यकता नहीं है, वो मोक्ष नहीं दे सकते। समचित्ता प्रशांता, जो समान चित्त वाले हैं, भगवान तो विदुर के यहाँ लोना साख खाते हैं, भगवान तो विदुरानी के जूठे बेर खाते हैं, भगवान तो दीन बंधु हैं। कब उन्हें धनिक बंधु कहा गया? दीनों के बंधु हैं, दीन जही दीन प्यारे वेद पुकारे, दीन बड़े प्यारे हैं, उन्हें वो कंठ से लगा लेते हैं, वो निर्धन भी बड़े धन्य हैं जो भजन करते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पि धन्यः, निवसति हृदि एषां श्री हरे भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम् सर्वथा तो विहाय, निवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पि धन्यः, तो देवर्षि नारद कहते हैं कि इस लोक में वो निर्धन भी बड़े भाग्यशाली हैं जो भजन करते हैं। भगवान अपना धाम छोड़ करके उन निर्धनों के हृदय में भी बैठ जाते हैं, उनके प्रेम के धागा में बंध जाते हैं भगवान। और धनवान हो, धन की अकड़ हो, प्रदर्शन हो, भक्ति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो भगवान कभी प्राप्त नहीं हो। इसलिए भगवान तो भाव और प्रेम, भक्ति हृदय का प्रेम देखते हैं, कोई भी हो। समचित्ता प्रशांता विमन्वयः सुहृदा साधवो ये, भगवान बड़े कृपालु हैं, आपके न जाने कि सद्गुण पर भगवान प्रसन्न हो जाएं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निज जाते हैं, जाने कौन से गुण पर कृपा निज जाते हैं, जाने कौन से गुण पर कृपा निज जाते हैं, जाने कौन से गुण पर कृपा निज जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण वो सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण वो सुयोधन का, विदुर के भवन जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के भवन जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं, जाने कौन से गुण पर कृपा निज जाते हैं, जाने कौन से गुण पर कृपा निज जाते हैं।
जान ही रोए बन गमन में पितु मरण सूचना सुनकर नहीं रोए बन गमन में पितु मरण सूचना सुनकर जटायु के निधन पर वो प्रभु आंसू बहाते जटायु के निधन पर वो प्रभु से गुण पर कृपा निधि बीज जाते न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि बीज जाते आते हैं मथुरा से गोपिका के विरह सुनकर नहीं आते हैं मथुरा से गोपिका के विरह सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर वो नंगे पांव आते हैं द्रौपदी के बुलाने पर वो नंगे यही सदग्रंथ कहते हैं यही हरि भक्त गाते हैं यही हरि भक्त गाते हैं न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि बीज जाते न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि बीज जाते ऋषभ देव जी दिगंबर हो गए ने केशों को नोच दिया और दिगंबर होकर के भ्रमण करते हुए ब्रह्मलीन हुए बोलिए ऋषभ देव भगवान की आगे ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हुए जिन्होंने भारतवर्ष में राज्य किया भरतस्तु महाभागवतो यदा अवनतल परिपालनाय महाराज भरत जी ने बहुत समय तक राज्य किया शासन किया और कई हजार वर्ष शासन करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर पुलहाश्रम गए जहां गंडकी नदी का प्रवाह बहता है नेपाल में वर्तमान में नदी है पुलह जी के आश्रम में जाकर इन्होंने त्रिकाल संध्या की प्रातः मध्यान्हसायं तीनों कालों की संध्याएं करते हुए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म प्रणों का जप ओम का जप करते हुए ये संध्या करते हैं ओम परमात्मा का अनादि नाम है परम ऊर्जावान परम प्रकाशक परमानंद दाता है ओम ओम का निरंतर जप करते हुए साधना कर रहे थे एक दिवस सरिता के तट पर प्रणों का जप कर रहे थे महाराज भरत जी उस समय एक घटना हुई तत्र तदा राजन हरिणी पिपाशया जलाशयाभ्यास वैभूप जगाम जब ये वंदन पूजन अर्चन कर रहे थे जप कर रहे थे उसी समय एक गर्भवती हरिणी आई और वो सरिता में जल पीने लगी तया पेपीमान उदके तावदेव विदुरेण मृगपतेरुन्नादो लोक भयंकरम अभूत जब हिरणी जल पी रही थी उसी समय एक सिंह की गर्जना हुई सिंह की लोक भयंकरकारी गर्जना हिरणी के कानों में पड़ी और भयभीत हिरणी सरिता में कूद पड़ी
उसका वो गर्भ सरिता में श्रवित हो गया। हिरणी जाकर एक कंदरा में समाप्त हो गई। अब वो नवजात शिशु सरिता में बहा जा रहा है धारा में। महाराज भरत जी ने देखा ये हिरणी का नवजात शिशु धारा में बहा जा रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहा न जाना, कहा कभी न पे कहा न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, निज परिताप द्रवै पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वो संत है। महाराज भरत जी कूद पड़े सरिता में और सुमृग शावक को उठा लिया, अपने आश्रम में ले आए। बड़े भाव से उसका पालन कर रहे हैं। प्राणी मात्र पर दया ईश्वरीय गुण है, लेकिन मोह समस्त व्याधियों का मूल है। अब उस हिरण के बच्चे में इन्हें मोह हो गया। इति कृतानुसंग आसन सेन अटन मृग जमुना स्नेहानुबद्ध हृदय आशीष। अब ये वन में कंदमूल फल समिधा तोड़ने जाते हैं तो उस हिरण के बच्चे को कांधे पर बैठा लेते, भोजन साथ में करते, शयन भी साथ में करते, पूजा में भी भगवान का ध्यान करते हैं। तुम्हें वो माता नेत्र खोलकर चौंक कर हिरण को देखते हैं, चपिता तुम्हें। आधी पूजा भगवान के लिए आधी हिरण को देखकर हो रही है। अब पूजा में मन नहीं लगता, हिरण का रात दिन चिंतन करते हैं। ये हिरण मुझे ही माता पिता संरक्षक भ्राता मानता है, मेरे अलावा इसकी कौन रखवारी करेगा। इतना बड़ा राज्य छोड़कर आए, पुत्र पुत्रों को छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए। अब हिरण में मोह हो गया है और हिरण का निरंतर ध्यान करते रहे। मोह सकल व्याधि कर मूला, तेहिते पुण्य उपजत बहुशूला। और प्यारे एक दिन हिरणियों के संग वो मृक्षावक चला गया। अब बड़े ही विकल हुए, जैसे किसी कृपण का धन नष्ट हो गया हो। हा हिरण कुमार, हा हिरण कुमार कहते हुए मृत्यु शैया पर लेट गए। अब ये मरते समय हिरण का ही चिंतन कर रहे थे। इतने में वो हिरण आकर सामने बैठ गया। मेरे बाद इसकी देखरेख कौन करेगा। हिरण का ध्यान करते करते इनका शरीर छूट गया। अंते मति गति सा, अंतकाल में जो जीव की मति होती है अगले जन्म में वही गति होती है। मरते समय जो जिसका ध्यान करता है अगले जन्म में वही होता है। ये जरूरी नहीं है कि स्त्री अगले जन्म में स्त्री ही हो, वह पुरुष भी हो सकती है, पुरुष स्त्री हो सकता है। ये बहुत यहाँ बहुत महीन बात भागवत में कही। कुछ लोग सोचते हैं हम पुरुष होते चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा जो है उसमें कोई लिंग भेद नहीं है। जो स्त्रियों में है वही पुरुषों में आत्मा है, प्रकाश है। उसमें स्त्री पुरुष नहीं लिखा, भेद नहीं। वही पशुओं में है वही पक्षियों में है। अब ये है जो पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, वो लक्ष्मी मानता है, तो उनका सात जन्म अपना चला करता है। लेकिन अगर मोहांग है, जैसे एक पुरंजन नाम का राजा था, मरते समय अपनी पत्नी का ही ध्यान करते हुए मरा, तो अगले जन्म में स्त्री हुआ। ये भागवत में वर्णन है। पत्नी का चिंतन करके मरेगा तो स्त्री होगा, ये भागवत में वर्णन। जिसका जो चिंतन करेगा वही होगा। धन का चिंतन करते करते मरेगा तो अगले जन्म में सर्प होगा, रखवाली करने वाला सांप। तो जिसका चिंतन करते हुए मरेगा वही होगा। अतृप्त आकांक्षाएं पुनर्जन्म देती हैं। अतृप्त आकांक्षा जिसका ध्यान करता करता मरेगा ज्यादा मोह वही होगा। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कहते हैं भगवान का ध्यान करो। और घर के लोगों को भी चाहिए कि आतुर मरणासन्न को भगवान का नाम जपने के लिए कहें। लेकिन वो नाम जपने के लिए नहीं कहते हैं,
वो प्रयास करते हैं कोई ऐसी दवा इनको मिल जाए जो इनका बोल जो बंद है वो फूट जाए और ये बता दें गड़ा धन कहाँ है। इसी प्रयास में वो रहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि राम नाम बोलो, गीता पाठ सुनो, मरते समय भगवान का नाम हो, गीता का पाठ हो, भगवत नाम संकीर्तन हो। राम नाम सत्य है, ये मरने में ही सत्य नहीं है, ये जीवन में भी सत्य उतारो। वैसे राम नाम सत्य सब मरने के बाद ही कहते हैं, मुर्दे से पीछे पीछे चिल्लाते राम नाम सत्य है। अगर किसी का विवाह हो रहा हो, पालकी उठ रही हो और कोई कह दे राम नाम सत्य है, समझो लड़ाई शुरू हो। अब राम नाम यदि जन्म में सत्य है, मरण में सत्य है, तो विवाह में भी सत्य है, वो तो सत्य है, त्रिकाल सत्य है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तो राम नाम शाश्वत सत्य है। तो महाराज अभी मरे हैं तो अगले जन्म में हिरण हुए, कालिंजर पर्वत पर हिरण हुए। अभी नहीं ये स्मरण बना रहा कि हम पूरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत नाम का राजा था, हिरण की आसक्ति में पड़कर मैं हिरण हो गया। तो ये कालिंजर पर्वत जो मध्य प्रदेश में है, वहां से चले चलते चलते नेपाल पहुंचे, गंडकी के तट पर जहाँ शालिग्राम क्षेत्र है, और वहां ये गंडकी सरिता में खड़े हो गए हिरण के रूप में, हिरण का शरीर है, और सुख के तृण पत्र खाते हुए भगवत नामों का स्मरण करते हुए सरिता में शरीर का त्याग कर दिया। और अब की बार एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ है, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ है। ब्राह्मण के दो पत्नियां थी, बड़ी ब्राह्मणी के 9 पुत्र हुए और छोटी ब्राह्मणी के 1 कन्या और 1 पुत्र जुड़वा बालक उत्पन्न हुए, यही महाराज भरत उत्पन्न हुए। अब पिता ने अपने सभी पुत्रों को वेद पढ़ाया। अब भरत को जब वेद पढ़ाया, ओम भूर्भुवः महाव्याहृतियां पढ़ाई, तो उस समय पर ये ओम नहीं बोले, 4 महीने में ओम नहीं बोले, भूर्भुवः स्वः 1 वर्ष में भी नहीं बोले। पिता ने कहा ये हमारा पुत्र जड़ है, तो नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। जड़ भरत ब्रह्म विद्या विशारद हैं, ब्राह्मी स्थिति में रहते हैं, परमहंस गति में हैं, देहाभास से परे आत्मा में स्थित हैं, अहम ब्रह्मास्मि के उपासक हैं, लेकिन बाह्य जगत में ये मूल की भांति रहते हैं, जड़ की भांति रहते हैं, उन्मत्त मूकवत जड़वत व्यवहार करते हैं, किसी से बोलते नहीं, जो मिल जाता है उससे भोजन कर लेते, जो मिलता पहन लेते, सरिताओं का जल पीते, वृक्षों की फल खाते। माता पिता समाप्त हो गए, बहन का विवाह हो गया, भाइयों के भी विवाह हुए, 9 भौजाइयां आईं। उन्होंने कहा और सब तो इस घर में ठीक ठाक है, लेकिन ये मोटा व्यक्ति कौन है? कहा ये तो जड़ भरत जी हैं। बोले इनका काम क्या है? बोले भोजन, भोजन के अलावा ये कुछ नहीं करते। बोले तो इन्हें खेतों में ले जाओ और सिंचाई का काम हो रहा है तो सिंचाई काम में लगा दो। अब इन्हें सिंचाई के काम में लगाया कि पानी देखे रहो खेत में। अब ये योगी ब्रह्म विद्या विशारद सोच रहे पानी खेत में जाए तो स्वार्थ, ऊसर में जाए तो परमार्थ। ऊसर में जाएगा पानी तो हरी घास पैदा होगी, गम में चरेंगी, हमें आशीर्वाद देंगी। यह त्र न हरित चरें जब गाई, आशीष दे ही हम ही हर साई। पूरा पानी इन्होंने खेत में खोल दिया, कई बीघा ऊसर भर गया खेत में बूंद पानी ने। भाइयों ने कहा हमारा सबका परिश्रम व्यर्थ कर दिया, भौजाइयां तो बड़ी क्रोधित, भोजन बंद कर दिया उसके। सवेरे कहा जाओ पकी फसल की रखवाली करो। जल भरत जी मनचान पर बैठे खेत में, सोच रहे हैं ये चिड़िया भी भगवान की, खेत भी भगवान का, इन्हें रोकने वाला मैं कौन? तो जल भरत जी ने एक गीत गाया, राम की चिड़िया राम को ही खेत, और खाओ चिड़िया भरी भरी पेट। लाखों चिड़िया कूद पड़ी खेत में, उतराई, और चिड़िया जो हैं वो खेत सुन गई, लाखों चिड़िया। चिड़ियों ने चुन लिया खेत। अब तो भाई लोग बड़े नाराज, भौजाइयां बड़ी नाराज, लेकिन उस बार भक्तों फसल बहुत हुई। भौजाइयां बोली ठीक से रखाता तो की बार बहुत अन्न होता। अब जड़ भरत का उन्होंने भोजन बंद कर दिया।
भाइयों के कहने पर नौ थालियों की जूठन और जले बर्तन में जला हुआ जो अन्न उसे उसकी खुरचन एक थाली में रखती है और जलभरत के आगे वही जूठा भोजन परोसती वो भोजाइयां। जलभरत जूठे में ही भोग लगाते। ओम तदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखं भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जूठे में भोग लगाते हैं। ये जो भक्त होते हैं ये विधि निषेध की क्रिया से परे होते हैं। जो कर्म कांडी है जो नियमी है वो बहुत संयमी होता है, बड़े नियम पूर्वक भगवान का पूजन करता है, लेकिन नियम में त्रुटि होना संभव है। कितना बड़ा विद्वान हो, वेदज्ञ हो, कर्मकांडी हो, पूजन विधि विधान से कर रहा हो, करा रहा हो, लेकिन त्रुटि संभव है। इसलिए बाद में सभी आचार्य कहते हैं आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। और विविध प्रकार के हम भोग प्राप्त कर रहे हैं भोजन के रूप में, यही आपकी पूजा है। पूजा के विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, जब हम सो जाएं तो समझो हम समाधि में हैं। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोपदक्षिण विधा, जहां जहां हम चलें तो समझ लो आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। स्तोत्राणि सर्वाग्रा, जो भी कहें वो आपकी स्तुति है, जो भी करें सब आपको अर्पण है। जीवन के संपूर्ण कर्म ही भगवान की पूजा बन जाएं, इससे बड़ी पूजा क्या होगी। तो जलभरत जी ने अपने जीवन को ही भगवान को सौंप दिया। तो ये जो भक्त होते हैं ये विधि निषेध की क्रिया से परे, प्रेम में जब भाव विवल होते हैं तो वहां नेम टूट जाता, जूठे में भोग लगाता। ऐसे ही एक भजनानंदी संत थे वृंदावन में, माधव दास। माधव दास बड़े भजनानंदी भजन करें और जब भूख लगे तो संतों की पंगत जहां हो वहां जाएं। जब भोजन कर चुके संत लोग तो उनके पत्तलों के जूठे कण उठाकर एक करवा में भरें और यमुना के किनारे ले जाकर के भगवान को भोग लगाकर वही प्रसाद प्राप्त करें। एक दिन भजन कुछ ज्यादा बढ़ गया और जब भजन ज्यादा बढ़ गया वेद प्रकाश, तो उस समय वो महाराज वो संतों की पंगत भोजन करके चली गई। अभी इन्हें भूख बड़ी तेज, तो गए दौड़ते हुए करवा लेकर वो मिट्टी वाला, और वेद प्रकाश आए देर से लेकिन बड़े दुरुस्त आए। 501 मुद्राओं से पूजन करते हैं, आशीर्वाद है। तो भक्तों अब तो महाराज बड़े भाव से वो जूठा भोजन ले गए करवा में भर करके, और आज भोग लगाना भूल गए और भोजन मुख में रख लिया। और जो ही मुख में रखा संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। नीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज लगे मन में, साप छछूंदर की भई गई, साप छछूंदर की कहाँ करूँ
कछु सोच न पायो बीत गयो वह बार बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो बीत गयो वह बार बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अब मुख में भरे पूरी रात दिन बीत गया रात बीत गई दूसरा दिन आ गया तो उस समय अब भगवान प्रकट हुए भैया ये मुखवाला ही हमें हम दे दो हाथ में इसको ही हम ग्रहण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही भक्त होते हैं विधि निश्चित की क्रिया से परे जड़ भरत जी जूठे में भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं और मोटे हो गए। भौजाइयों ने कहा आपको जूठन भी कम पड़ रही तो जब भाई लोग नहीं थे तो धक्का मार कर घर से इन्हें बाहर निकाल दिया। ये सोचने लिए चलो घर का भी मोह छूट गया अच्छी बात है। अब ये वन में विचरण कर रहे थे अद कदाचित कश्चित ब्रखल पति पुरुष पशुता लभता अपत्य कामा। वन में एक भीलों का डेरा था वहां भील सरदार ने एक मनौती मानी थी यदि मेरे अपत्य पुत्र होगा तो मैं बन की काली देवी पर भद्रकाली पर मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा ऐसा अंधविश्वासी था ये। तो दैव योग से इसके पुत्र हुआ इसने उसे मनौती का चमत्कार माना तो कहा चलो भद्रकाली की मनौती से पुत्र हुआ है कोई मनुष्य ढूंढ लाओ नर बलि करेंगे। अब ये खोजते हुए चले तो जड़ भरत जी वन में घूम रहे थे बोले ये बढ़िया स्वस्थ है चलो इसी को पकड़ लें इसी की बलि चढ़वाएं। अब जड़ भरत जी को ले गए तो इनका छौर कर्म हुआ विलेपन से स्नान हुआ सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए आभूषण धारण कराए मिष्ठान खिलाया और ले करके मठ में गए और उस भील राजा ने निकाली तलवार सिर काटने के लिए। आज भगवती माँ भद्रकाली ने विचार किया ये बालक ब्रह्मचारी ब्राह्मण है यदि इसकी एक बूंद रक्त भी हमारी मूर्ति पर गिरी तो हम भस्म हो जाएंगे। तो आज भगवती भद्रकाली पाषाण फाड़ कर प्रकट हो गई और उस समय आज भद्रकाली माता ने लेकर खड्ग और उसी भील राजा का सिर काट करके अपने खप्पर में ले लिया और रक्त पी गई। बोलो भद्रकाली माता की जय। सभी सैनिकों का वध माता ने किया। जड़ भरत जी को न मरने का कोई दुख था न छूटने का कोई हर्ष सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय चल पड़े। अभी आभूषण से फिर उतार के फेंक दिए। अब यहाँ पर एक इक्षुमती नदी है इक्षुमती नदी के तट पर महाराज थे इक्षुमत्यास तटे रघुगण से व्रजित इक्षुमत्यास तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समय सिंधु शवीर पति सिंधु शवीर देश का राजा रघुगण कपिल मुनि जी से उपदेश लेने के लिए ज्ञान लेने के लिए दीक्षा लेने के लिए पालकी पर बैठा जा रहा कहारों पर बैठा है कहार पालकी धो रहे हैं गुरु दीक्षा लेने जा रहा है लेकिन राजा है तो अहंकार है घमंड है और पालकी पर बैठ के जा रहा देवालय जाए मंदिर जाए वाहन से भी जाए तो थोड़ी दूर उतर कर पैदल चलना चाहिए सीधे वहां वाहन थोड़ी दूर रोक करके तब पैदल आवे क्योंकि संत मिलन अथवा कथा श्रवण ही तो जाइए तज माया अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान तो करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। तो महाराज अब ये पालकी पर बैठा जा रहा है उपदेश लेने अभिमान में तो उस समय इसकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया
तो कहारो के मुखिया ने कहा महाराज आप क्षण भर ठहरे तो कोई हम कहां रे ढूंढ लावे। तो जब कहां ढूंढने गया तो रेती में जलभरत जी लेट रहे थे। बोले ठीक यही बढ़िया उत्तम कहां रहा। जलभरत जी को ले गए और पालकी में लगा दिया। इतने महान संत को पालकी में लगा दिया। जलभरत जी कहते हैं चलो ये कोई प्रारब्ध भोग है जो भोगना पड़ेगा। पालकी ढो रहे हैं लेकिन पालकी तो ठीक है ढोना लेकिन ये जो चीटियां हैं हमारे पैरों के नीचे कुचल रही हैं इनमें तो भगवान है नारायण है मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्याम् जगत्तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृधा कस्मचित् धनम्। मेरे परमात्मा कण कण में सर्वत्र व्याप्त हूं ऐसी कौन जगह जहां मेरे नारायण नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा मेरे स्वामी सर्वत्र हैं कण कण में हैं। जर्रे जर्रे में है जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जले जले में है जानी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। महात्मा नामदेव ने भोजन बनाया तो श्वान लेकर भागा। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ थोड़ा घी भी लगाओ। बोले रूखी तो ना खाओ थोड़ा घी भी लगाओ। तुम्हें भी झांकी मेरे राम की। तुम्हें भी झांकी मेरे राम की। तुम्हें ओढ़नी उड़ा दी गई श्वान की। तुम्हें ओढ़नी उड़ा दी गई श्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो ये बढ़ा बढ़ा के डग रखते हैं कभी बड़ा डग कभी छोटा डग। पालकी में झटका लगता है तो उस समय आज राजा ने कहा अरे कहारो कैसे चला रहे हो पालकी झटका लगता है। बोले महाराज ये नया वाला कहार इतना मत वाला और बल वाला है जिधर चाहता पालकी कर देता है हमारा दोष नहीं है। कहा तो तुम सब लोग एक तरफ हो जाओ और इसको एक तरफ कर दो अकेले। जलभरत जी को अकेले एक तरफ किया पालकी का बांस कांधे में धसा जा रहा है और महाराज के रक्त झर रहा है लेकिन इन्हें अपने रक्त की चिंता नहीं है चीटी बचाने की चिंता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। 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 वंदनीय जी जग जस पावा। वंदनीय जी जग जस पावा। भुर्ज तरु सम संत कृपाला। भुर्ज तरु सम संत कृपाला। परहित नित शांति पति निशाला। परहित नित शांति पति निशाला। तो अब की बार बड़ी लंबी चीटियों की कतार है। यज्ञ पवितम परमं पवित्रम प्रजापति यत सहजम पुरस्तात आयुष्मग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये ब्रह्मगांड से विभूषित वेद में
सुंदर यज्ञोपवीत जिसमें सभी देवताओं का निवास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का निवास है, ऐसे ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत को देखा तो राजा का दंड छूट गया और कहा महाराज आप कौन हैं? तो जीवन में पहली बार महाराज जलभरत बोले, योगेश्वर जलभरत कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतो समे स्यादि वीरभारः गन्तुर्यति स्याद अधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। तुमने जो कहा वो ठीक ही है राजन, ईश्वर सब में है, जो तुम हमें समझो मैं वही हूँ। जिन कहारों पर बैठकर जा रहे हो उन कहारों में भी ब्रह्म है, जिन चीटियों को कुचलवा रहे हो इनमें भी ब्रह्म है। और देखो राजन, ब्रह्म सर्वत्र है, शरीर नश्वर है, आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, तेज है। तुम हमें मारने की बात करते हो, बोझा ढोने की बात करते हो। अगर कोई मार्ग दिगम्बध्वा, अगर कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए है, अगर कोई बोझा है तो ढोने वाले के लिए है। मैं इनमें कुछ भी नहीं हूँ राजन, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं कौन हूँ प्रश्न हुआ, मैं कौन हूँ? अभी अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं कोई अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, व्यवसायी हूँ, गृहस्थ हूँ? बोले नहीं नहीं, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर महाराज श्री दे रहे हैं जलभरत जी। वो कह रहे हैं कि देखिए, स्थौल्यम कार्यम आधे व्याधे श्रुतं भयम कलिरिच्छा जरा चे निद्रा रतिरमन अहमदा सुचो देहेन जातस्य ही बेन संति। स्थौल्यम माने शरीर का मोटापन, कार्श्यम दुबलापन, भूख प्यास भय वासना बुढ़ापा युवावस्था, ये सब देह के गुणधर्म है, मेरे नहीं है। मैं न संति, मैं इनमें लिप्त नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता। ये भागवत में वर्णन आया, यही गीता में वर्णन किया। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न च शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आत्मा को जल नहीं डुबा सकती, डुबा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा अजर है, अमर है, अक्लेद्य अशोष्य अदाय है, ऐसी आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचिद् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो नायं हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का तत्व है, उसे मारा नहीं जा सकता, दंड नहीं दिया जा सकता। जब इस प्रकार अध्यात्मयी बड़ी ब्रह्म विद्या की बात महाराज योगेश्वर जलभरत द्वारा सुनी तो राजा बोला, महाराज कस्तुम निगूढ़चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमोऽवधूतः। कस्तुम निगूढ़चरसि द्विजानां, आप कौन हैं? अपने तेज को छिपाए घूम रहे हैं। कस्तुम निगूढ़चरसि द्विजानां, आप कौन हैं? बिभर्षि सूत्रम, आप यज्ञोपवीत धारण किए हैं। कतमो अवधूता, क्या कोई आप अवधूत हैं? कोई दिगंबर हैं या भगवान कपिल ही हैं आप? आप बताएं आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए महाराज। तुम्हारे योगेश्वर श्री जलभरत जी कहते हैं, राजन मैं हूं निरंजन। हम ब्रह्मास्मि, तुम मुझे जानना चाहते हो? मैं हूं निरंजन ब्रह्म निर्मित मोह माया से परे, कूटस्थ हूं अद्वैत हूं ये मोह माया क्या करे। मैं निरंजन हूं, अव्यक्त हूं, मैं तटस्थ हूं, मैं कूटस्थ हूं। तो
राजा कहता है महाराज मैं राजा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ना हम विशंके सुरराज बज्रात न त्रक्षशूलात न यमस्य दण्डात नान्यर्क सोमानिल वित्तपाशात संके भृशं ब्रह्मकुलावमानात। सुरराज बज्रात अहम न विशंके, देवराज इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, शंकर जी के त्रिशूल से मैं नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से, विष्णु के चक्र से, काल के दंड से, सूर्य से, चंद्र से, कुबेर से, वरुण से मैं नहीं डरता। नान्यर्कसोमानिल वित्तपाशात, कुबेर के पांसों से भी नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूं शंके भृशम, भृशम अत्यधिकम शंके, मैं बहुत डरता हूँ। काहे किससे डरते हो? बोले ब्रह्म कुलावमानात, किसी ब्राह्मण का अपमान मेरे द्वारा ना हो जाए, विप्र के अपमान से मैं बहुत डरता हूँ। ये भागवत के पंचम स्कंद में राजा रघुगण कहता है, इसी का अनुवाद हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस में किया। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरे, जो इन कर प्ररोष पावक सो जरई, विप्ररोष पावक सो जरई, विप्ररोष पावक सो जरई, विप्ररोष पावक सो जरई। महाराजा ब्राह्मण है क्या? एक तर्क किया राजा ने, महाराजा कहते आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता, एक धातु की बटलोई को अग्नि पर चढ़ाया गया, स्थल तापात पयशोभिताप तत्ताप ताप तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिया श्वासय सन्निकर्षात तत्संश्रुति पुरुषस्यानुरोधात। एक धातु की बटलोई को अग्नि पर रखा और उसमें दुग्ध डाल दिया, दुग्ध उष्ण हुआ तो उसमें तंडुल डाल दिए, चावल, दुग्ध भी उष्ण हुआ तंडुल भी बन गए। जलाई तो आग नीचे से जा रही है, बटलोई में आग लगी है लेकिन बनते हैं चावल। ऐसे देहेन्द्रिय श्वास सन्निकर्षात, जब देह को पीटा जाएगा, दंड दिया जाएगा, तो इससे इंद्रियों तक वो दंड पहुंचेगा। इंद्रियाणाम परो अर्था अर्थाभ्याम परो मनः मनसस्तु परे बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर गीता में। तो महाराज इंद्रियों को कष्ट होगा और इंद्रियों से कष्ट पहुंचेगा मन में, और मन से बुद्धि बुद्धि से आत्मा, आत्मा पीड़ित होगी। तो महाराज हंसे जल भरत जी और बोले राजन अको विदा को विद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम प्रवादा न शूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वाभिमरुषेन सहा मनन्ति। तुम विद्वान तो नहीं हो राजन, लेकिन विद्वानों जैसी बात करते हो। अको विदा कोविद वाद वादान बदस्य थो नाति विदाम प्रवादा, तुम्हारा एक कथन प्रवाद मात्र है, क्योंकि न सूर्यो ही व्यवहार में न कोई विद्वान तुम्हारी बात को सत्य नहीं मानेगा। कारण बटलोई नाशवान लौकिक पदार्थ है और आत्मा अविनाशी परमात्मा का तत्व है, वो अविनाशी है, प्रकाश स्वरूप है, बटलोई नाशवान है, ये उदाहरण वहां नहीं लगे। तब चरणों में गिरे राजा और बोले महाराज आप धर्म का उपदेश करें। तो महाराज श्री जलभर कहते राजन ये संसार एक वन है, संसार वन में आत्मा रूपी पथिक
परमात्मा को प्राप्त करने की यात्रा कर रहा है और जंगल बड़ा घना है और इस जंगल में लुटेरे हैं। यस्यामि मे खलनर देव दस्यवा सारथम विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्। इसमें छह डाकू हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये छह बदमाश हैं जो इस शरीर रूपी जंगल में भीतर बैठे हुए हैं। ग्यारह और बदमाश हैं। एकादशासन मनसो ही वृत्तयः आकृतया पंच धियोभिमानः। पांच ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक जीवा त्वचा हाथ पैर मुख बल विसर्जन के अंग, ये दस इंद्री समूह जो हैं ये भी बदमाश हैं। और उनका राजा मन है, कुख्यात सरदार कुनायकम है, वो कुख्यात सरदार है जो आत्मा को लूट रहे हैं। आत्मा अनेज देकम मनुष्य जबियो, आत्मा मन से शासनों गुना अधिक शक्ति रखता है, लेकिन मन का शासन आत्मा में हो जाता है और ये इंद्रियों का शासन हो जाता है और आत्मा को लूट लेते हैं। ये दस्य भीतर बदमाश, कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी मोह कभी मद कभी मत्सर, और इंद्री समूह बलवान इंद्रि ग्रामो विद्वांसम अपकर्ष विद्वांसम अपि अपकर्षम, जो ये बलवान इंद्री समूह है विद्वानों को भी खींच लेता, ज्ञानियों को योगियों को भी। नारद भव विरंच शनकादि जे मुनि नायक आतंबादी मोहन अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही।